दोस्तों बिग बॉस सीजन 16 के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर एमसी स्टैन को अब्दू को हिंदी सिखाना काफी भारी पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल दोस्तों बीते दिन एमसी स्टैन ने अब्दू रोजी को सिखाया था कि किस तरीके से हिंदी के जो शब्द होते हैं उनको कहां पर काम में लेना चाहिए। जैसे कोई फालतू का बोले तो उसको बोल दे कि यार बकवास बंद कर, और किसी को गेट आउट बोलना हो तो उसको बोल दो चल निकल बे। अब दोस्तों यहाँ पर स्टैन ने जो अब्दू को ये शब्द सिखाए थे वो कहीं ना कहीं अब स्टैन पर ही भारी पड़ने लग गए। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि इस समय बिग बॉस के लाइव फीड में सौंदर्य शर्मा और गौतम विज के जो लॉकेट वगैरह कुछ है वो एक जैसा सेम पहना हुआ था, जिनको देख कर कि अब्दू ने उन दोनों को चिढ़ाना शुरू कर दिया जैसा कि वो अक्सर करते रहते हैं। और इस दौरान एमसी स्टैन ने कहा कि वो ऐसा नहीं बोलते हैं। इस दौरान अब्दू ने एमसी स्टैन को ही कह दिया चल निकल बे बकवास बंद कर। ये सुनकर घर के सभी कंटेस्टेंट को बुरी तरीके से हंसी आ गई, यहाँ तक कि एमसी स्टैन और शिव ठाकरे को भी बुरी तरीके से हंसी आने लगी। दरअसल दोस्तों बीते दिन एमसी स्टैन ने ही ये शब्द अब्दू को सिखाए थे और अब अब्दू इन शब्दों का इस्तेमाल एमसी स्टैन के खिलाफ ही करने लग गए, जिसको लेकर घर के सभी कंटेस्टेंट एमसी स्टैन को ताने मारने लग गए और मजाक करते हुए कहने लगे कि और सिखा तू इसको हिंदी, तेरे पे ही भारी पड़ रहा है ये सब कुछ। और अब कहीं ना कहीं स्टैन को भी लग रहा है कि छोटे से बच्चे को उन्होंने बिगाड़ दिया है। फिलहाल दोस्तों आपको ये मस्ती भरा सीन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप भी एमसी स्टैन और अब्दू रोजिक के फैंस हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बिग बॉस की हर खबर आप तक पहुँचे सबसे पहले।